और पशुओं की भांति से हंस चले गए तो इस जीवन से कोई लाभ नहीं है। इसलिए भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बताया बड़ा सौभाग्य होता है जब हमें ये मानुष जन्म मिलता है। और भक्तों, जब हम माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए होते हैं तो परम पिता प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमें जल्दी से भूतल पर जाने दो, और भूतल पर जाने के बाद में मैं तुम्हारा ध्यान करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही हम इस भूतल पर आए, माया मोह के बंधन में पड़ गए और उस परम पिता परमेश्वर को भूल जाते हैं जिसने इतना सुंदर तन देकर के हमें इस भूतल पर भेजा है। तो भक्तों, ज्यादा कुछ न कहते हुए, एक समय की बात है, जो देवर्ष नारद जी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र, एक बार इन्होंने अपने मन में विचार किया कि बहुत दिन हो गए मृत्यु लोक में जाकर के मैंने ये नहीं देखा कि लोग अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत करते हैं। बताया है कि कलयुग में न जाने मृत्यु लोक में लोग कैसे अपना जीवन बिता रहे हैं। तो एकदम से अपने बीड़ा को हाथ में उठाया और बीड़ा बजाते हुए जाकर के जैसे ही मृत लोक में पहुंचे हैं, गंगा नदी से भ्रमण करते हुए निकले तो क्या देखा, गंगा नदी के घाट पर एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी हुई है। इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि हम अपनी बारी से बोलते हैं। जब उस सुंदरी की तरफ देवर्ष नारद जी ने देखा तो एकदम से नारद जी सामने खड़े हो गए, कहने लगे हैं क्या बात है सुंदरी, तुम रो क्यों रही हो? जैसे ही इतनी बात कही है कि तुम रो क्यों रही हो, और ये जो तुम्हारे दो बूढ़े से पुरुष लेते हुए हैं तुम्हारी गोद में, ये कौन है, क्या कर रहा है, मेरी समझ में नहीं आता।